तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो फैनको डीसीएस टीटन रोमानिया लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला और दूसरा और टूर्नामेंट का 17वां और 18वां मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा क्लूज वर्सेज बुचारेस्ट ग्लैडिएटर्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप कंप्लीट देखते हो तो ईजिली भाई आप इस मैच में काफ़ी अच्छी विनिंग करने वाले हो। वहीं अगर बात करें मैच की डेट एंड टाइमिंग की तो वो सब आपके सामने, आज 29 अप्रैल को ये मैच खेले जाएंगे। पहला मैच भाई 11:30 पर खेला जाएगा और दूसरा मैच दोपहर को 1:30 पर खेला जाना है। तो वीडियो को भाई अगर आप कंप्लीट देखोगे तो ये दोनों के दोनों मैच ही आपके लिए अच्छे खासे जैकपॉट मैच होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो भाई मोरा वेलेसी क्रिकेट ग्राउंड रोमानिया में मैच खेला जाएगा। भाई अगर वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो टोटल 16 मैच खेले गए हैं उसमें 7 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम ने जीते और 8 मैच बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने जीते, जबकि एक मैच नो रिजल्ट में एंड हुआ। और कल भाई वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था तो देखना पड़ेगा आज वेदर कैसा है क्या कुछ है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी इस वीडियो के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी मैच की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कल भाई जो मैंने 3 मैच कवर किए थे फैनको डीसीएस टीटन रोमानिया के 3 मैच मैंने आपको अल्ट्रा क्लीनशिप दिया, रिजल्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। जो भी भाई पहली बार देख रहे हैं ना वो एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर आपको जो भी मैच मैं कवर कर रहा हूं उन सबकी टीम यहां पर मिलती रहेंगी, ठीक है। आप चलिए भाई बात करते हैं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। सर्च आपको कैसे करना है, या तो भाई आप डायरेक्ट मतलब यहाँ से यूजर नेम देख सकते हो, तो या तो आप यहाँ से सेम टू सेम यूजर नेम कहीं पे लिख के फिर कॉपी करके सर्च कर सकते हो, या फिर आप सेम टू सेम यूजर नेम डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हो। वो यूजर नेम आपको कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार यहाँ से आपको सिंपली सर्च करना है @KPM321, सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। तो जल्दी से जाके भाई टेलीग्राम चैनल ये वाला आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो विदाउट टेलीग्राम चैनल जो इनके आपकी विनिंग करना ऑलमोस्ट पॉसिबल है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम्स ने अपने 6-6 मैच में से सिर्फ 3-3 मैच विन किए, जबकि 3-3 मैच ही हार के आ रहे हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई बैलेंस्ड विकेट है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 80 से 100 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो भाई मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में बना रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे को अभी जयपुर निकलना है, मॉर्निंग के भाई 7 बज चुके, तो मैं वीडियो अपलोड करके जयपुर निकलूंगा, उसके बाद भाई इन मैसेज के आपको मैं टीम प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन बाकी ज्यादा वीडियोज आज आएंगी नहीं और ज्यादा मैसेज भी कवर नहीं होंगे, लेकिन भाई ईसीएस टीटन के फर्स्ट 2 मैच तो इजीली कवर मैं कर ही रहा हूं। उसके बाद भाई देखते हैं सेकंड वाले मतलब जो थर्ड एंड फोर्थ वो भाई कवर कर पाता हूं या नहीं कर पाता, तो बस यही बात है भाई, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो ना मैच के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में प्लेयर्स के बारे में तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, एक एक कमेंट में रीड करूँगा और भाई उस मैच स्टार्ट होने से पहले सभी कॉमेंट्स के रिप्लाई मिल जाएंगे, यानी कि आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। तो कॉमेंट करके आप ज़रूर से पूछ सकते हो अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट चल रहा हो इस मैच के बारे में। यहाँ पर अगर पिच की बात करें तो भाई बैलेंस्ड विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी हेल्प है, एवरेज स्कोर 80 से 100 के बीच रहेगा। वेदर की बात करें तो भाई वेदर यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर है, बारिश के चांसेस ना के बराबर है, फिर भी भाई यहाँ पर आप एक बार सर्च कर सकते हो, मैं आपको अभी दिखाता हूँ भाई वेदर क्या रहेगा। तो वेदर भाई आज का आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अभी मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग में तो भाई बारिश है, बट उसके बाद भाई जैसे जैसे दिन निकलेगा भाई क्लाउडी है बट बारिश यहाँ पर आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाई यहाँ पर मतलब आप ऊपर टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हो, बारिश उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि बारिश यहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी। 6 बजे मॉर्निंग भाई 5% चांस है, इसके अलावा 11 बजे भाई 56% चांस है, यहाँ पर 24% चांस है, और इसके बाद थोड़ा और आगे चले गए तो भाई फिर 4% चांस है, यहाँ पर भाई 9% चांस है, यानी कि भाई जो दूसरा मैच है ना उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बारिश की वजह से। इसके अलावा और तो किसी मैच में बारिश आने के चांसेस बहुत ही कम यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वेदर मैंने
मैंने आपको बता दिया, बाकी आप भी सर्च करके देख सकते हो कि वेदर यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर जो दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस है, एक बार उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो क्लूज की बात करेंगे, सबसे पहले सात्विक नाडिगोटला ने 4 मैच में 83 रन बनाए और यहाँ पर भाई एक भी मतलब बॉलिंग करवा नहीं रहे, विकेट कीपिंग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें आनंद राजशेखर की, 4 मैच में 11 रन है। वासु सैनी 4 मैच में 68 रन और 1 विकेट। लास्ट मैच में हालांकि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी हुई है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर रहने वाले हैं। निशांत देवरे की बात करें, 4 मैच में 139 रन प्लस 2 विकेट। थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस निशांत देवरे दे रहे हैं इस सीजन, मतलब अच्छी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक लगातार 3-4 सीजन से नहीं आई थी, लेकिन इस सीजन भाई बंदा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। गौरव मिश्रा की बात करें, 4 मैच में 53 रन और 4 विकेट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। रवि अथापत्तू की बात करें, 4 मैच में 7 विकेट, गजब का बोल मतलब बॉलर सामने आया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर राणा सिंह एराइची, तो एक मैच में इन्होंने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। राजेंद्र पीसल की बात करें, तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। सेम भाई अरुण कुमार टीम का कैप्टन, 4 मैच में सिर्फ 5 रन बनाए, मतलब बैटिंग करने का एक आध मैच में मौका मिला है। सुखी साई की बात करें, 4 मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला। साफी अहमद की बात करें, तो भाई 4 मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले। अब यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, तो वो मैं आपके लिए मार्क करता हुआ चलता हूँ। यहाँ से भाई सात्विक नाडिगोटला को आपको ट्राई करना है, वासु सैनी को ट्राई करना, निशांत देवरे, गौरव मिश्रा 4, और यहाँ से भाई रवि अथापत्तू, इन 5 प्लेयर को आप अपने टीम में जरूर से ट्राई कर सकते हो। अब भाई बाकी बात करते हैं बुचारेस्ट के प्लेयर्स की, उसके बाद भाई बात करेंगे यहाँ पर डेमो टीम की। तो यहाँ पर भाई अगर बात करें जवाद अली, तो 5 मैच में 17 रन है। जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। सागर परेरा नंबर 4, 5, 6 तक बैटिंग करता है, कभी 4 नंबर पर भी आ जाता है, कभी 5 पर, कभी 6 पर, तो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें, तो मोइज मोहम्मद जो टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यहां पर 6 मैच में 12 विकेट प्लस भाई 147 रन, मतलब 6 मैच में 12 विकेट प्लस 147 रन, गजब का प्लेयर है। सेम भाई यहां पर मोहम्मद मशाल, ये दोनों के दम पर भाई पूरी टीम है। और से एक मनमीत कोहली, इन तीनों के दम पर भाई पूरी टीम चल रही है यहां पर। ठीक है, मोइज मोहम्मद, मोहम्मद मशाल और मनप्रीत कोहली। इसके अलावा वकास अहमद ने भी सीजन अच्छी परफॉर्मेंस, 6 मैच में 19 रन देकर 8 विकेट इन्होंने निकाले। सालिथा परवाद की बात करें, तो भाई 6 मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा भाई अगर बात करें अली जवार की, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा जो कोस्मिन जवोई है, ये भी कुछ नहीं कर पाए। पावल फ्लोरिन भाई इस सीजन कुछ नहीं कर पाए हैं। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं अपने डेमो टीम की। डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च आपको कैसे करना है, @KPM321। सिंपली बस आपको इतना ही सर्च करना और आपको हमारा चैनल यहाँ से मिल जाएगा। सेम इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं अपने डेमो टीम की। तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ, बाकी फाइनल टीम तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। तो यहाँ से अगर बात करें डेमो टीम के बारे में, तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करेंगे। नो डाउट सात्विक नाडिगोटला हमारे लिए मास्टर पिक रहेंगे। इसके अलावा तरनजीत सिंह भाई नहीं खेल रहा, अगर खेलेगा तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। यहाँ से आर आई को अपनी टीम में रखेंगे, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा कुछ ऑप्शन हमारे पास है नहीं। इसके अलावा भाई यहाँ से मोइज मोहम्मद 100% हमारी टीम में रहेंगे, इवन CVC भी हमारे रहने वाले। इसके अलावा मोहम्मद मिशेल को मैं अपनी टीम में रखूंगा। आप अगर चाहो तो भाई RRIC की जगह पर आप यहाँ से ऊपर से सागर परेरा को ट्राई कर सकते हो, बट मैं RRIC के साथ जाऊँगा। यहाँ से मनमीत कोहली हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा निशांत देवर हमारी टीम में रहेंगे, और यहाँ से वकास अहमद को मैं अपनी टीम में रखूंगा। वासु सैनी ने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लास्ट के 2 मैच से। ठीक है, तो ये दोनों मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा था। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से वासु सैनी की जगह पर आप गौरव मिश्रा को भी ट्राई कर सकते हो, क्लियरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी के लिए मैं गौरव मिश्रा के साथ ही जा रहा हूँ, फाइनल टीम में हो सकता है मैं कुछ चेंजमेंट आपको करता नजर आ जाऊँ। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ से भाई सुकरण साई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रवि अथापट्टो आपके लिए मास्टर पिक रहेंगे, अली जवाहर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसकी जगह पर अगर आप चाहो तो भाई एस अहमद उमेर को तो लेके जा सकते हो, बट मैं ऐसे रवि सुकरण साई को ही अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर बात करें CVC की, तो कैप्टन भाई मोइज मोहम्मद रहेंगे। VC की अगर बात करें, तो भाई यहाँ से आपके लिए मनप्रीत कोहली या फिर निशांत देवरे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप सेफ जाना चाहो, तो भाई आप यहाँ से मोहम्मद मशाल को अपनी टीम में एज ए VC लेके जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं अपनी टीम में भाई मनप्रीत कोहली को एज ए VC लेके जा रहा हूँ। ठीक है, फाइनल टीम की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपके सामने है। इस टीम में भाई ऑलमोस्ट ये मेरी फाइनल टीम है। बाकी अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजमेंट होता है या कोई भी वेदर की अपडेट आती है, कुछ भी अपडेट आती है, तो वो भाई मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी कभी आप जाके ज्वाइन करोगे तो ईजिली भाई आपको
हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं आपको एक बार सर्च करके फिर से दिखा देता हूँ कि अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आपको सर्च कैसे करना है। उससे पहले ये दिखा देता हूँ सर्च करना क्या है आपको। यहाँ से आप देख सकते हो सेम टू सेम आपको यही सर्च करना है, एट द रेट स्मॉल लेटर्स में KPM बिना स्पेस के बाई 321। ठीक है, सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है। मैं करके दिखाता हूँ ऐसे, एट द रेट KPM321। ठीक है, सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।